प्रिय विद्यार्थियों, आरसी एज बारसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। तो इसके बारे में क्या हुआ कि सन 1911 में अल्फा कण जो प्रयोग है, अल्फा कण प्रकरण प्रयोग के निष्कर्ष के आधार पर सन 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में एक अन्य मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कहा जाता है। देखो उसने क्या कहा परमाणु के बारे में, यह जो मॉडल है ये पूरा ही परमाणु की संरचना के आधार पे है। इसने ये बताया कि प्रत्येक परमाणु का समस्त धनावेश तथा लगभग उसका संपूर्ण द्रव्यमान परमाणु के केंद्र पर 10^-15 मीटर की कोटि की त्रिज्या के सूक्ष्म गोले में संकेंद्रित होता है। उसने क्या बताया कि जो परमाणु होता है, प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान और उसका समस्त धनावेश है वो उसके केंद्र में एक छोटे से स्थान पर केंद्रित होता है, जिसको नाभिक कहा जाता है, और इसकी कोटि 10^-15 मीटर की बताई गई है। नंबर दूसरा आता है कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रवेश जो होते हैं, वो नाभिक के चारों ओर 10^-10 मीटर की कोटि में चक्कर लगाते हैं, और उनका जो कुल ऋणावेश है वो नाभिक के कुल धनावेश के बराबर होता है। ये उन्होंने दूसरी बात कही परमाणु संरचना के बारे में। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जब यदि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, वे अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, भाई माइनस का होता है, कि यदि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है तो यह जब नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाएगा तो यह नाभिक पर अपन जानते हैं धनावेश होता है, तो यह नाभिक के आकर्षक बल से यह नाभिक में गिर सकता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर न होकर के ये चारों ओर वर्तकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर न होकर चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिए इस मॉडल को ग्रहीय मॉडल भी कहा जाता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि भाई बताओ ग्रहीय मॉडल किसे कहते हैं, तो अपन कह सकते हैं कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार से सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको ग्रह मॉडल भी कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वर्तकार मार्ग में चक्कर लगाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाले विद्युत आकर्षक बल से प्राप्त होता है। देखो भाई, जैसे माना परमाणु है और भाई माना बीच में नाभिक हो गया, अपन जानते कि नाभिक के बीच में नाभिक पर धनावेश पाया जाता है, और माना इलेक्ट्रॉन है इस पर ऋणावेश पाया जाता है। अपन जानते कि दो आवेश के बीच में विद्युतीय बल कार्य करता है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का। तो जब इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर जब वर्तकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला जो विद्युतीय बल है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। तो ये भाई इसके तत्व थे। अब दोस्तों कमियों की बात करें, भाई इसकी कमियां क्या रही। तो देखो, पहली कमी यह है कि ये जो मॉडल है, यह मॉडल परमाणु के भाई स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। देखो कमियों की बात करें कि भाई इसकी कमियां क्या रही। देखो कमियों की बात करें तो नंबर एक पर आती है स्थायित्व। प्रिय विद्यार्थियों, यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। तो कैसे, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो उसमें अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न हो जाता है, और जब यह त्वरित आवेशित कण
जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो यह एक ऊर्जा के रूप में विकिरण बाहर निकालता रहता है। अब इनको जब लगातार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा और उसकी ऊर्जा में लगातार कमी आती जाएगी। जब ऊर्जा में कमी आएगी तो जो वर्तकर जो मार्ग है उसकी त्रिज्या में भी लगातार कमी आएगी और उसी कमी आने से इलेक्ट्रॉन एक सर्पिलाकार पथ पर गति करता हुआ नाभिक में अंत में गिर जाएगा। समझ गए? दोबारा देखिए, इसमें यह बताया गया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसमें अभिकेंद्रीय कण उत्पन्न हो जाता है और जब यह आवेशित कण नाभिक के चारों ओर वर्तकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो यह एक विकिरण ऊर्जा के रूप में बाहर निकालता है। जब लगातार ये चक्कर लगाता रहता है तो इसकी ऊर्जा में लगातार कमी आती जाएगी। ऊर्जा में लगातार कमी आने से ये जो वर्तकार जो मार्ग त्रिज्या है त्रिज्या में लगातार कमी होती जाएगी और अंत में यह एक सर्पिलाकार मार्ग पे गति करता हुआ नाभिक में गिर जाएगा, जिससे परमाणु का स्थायित्व है वो समाप्त हो जाएगा। यह परमाणु का स्थायित्व नहीं रहेगा, लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु में स्थायित्व पाया जाता है, इसलिए यह जो मॉडल है यह परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा, अगर हम कभी देखें, दूसरी कमी आती है रेखिल स्पेक्ट्रम की। तो उसमें क्या है कि जो कोई परमाणु होता है, जब परमाणु से जो विकिरणें बाहर निकलती हैं तो उन विकिरणों का एक सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, लेकिन परमाणु से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो रेखिल प्राप्त होते हैं और इस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेखाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए यह जो मॉडल है ये परमाणु के रेखिल स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका, क्योंकि इस स्पेक्ट्रम के अंदर सभी आवर्ती की विद्युत चुंबक के जो रेखाएं जो होती है वो रेखाएं प्राप्त होती है, जबकि इसमें कुछ आवर्ती की रेखाएं प्राप्त होनी चाहिए थी, इसलिए यह मॉडल रेखिल स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी नहीं कर सका। तीसरा पॉइंट यह है कि यह जो मॉडल है ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या या उनकी तीव्रता की और उनका जो विभाजन होता है विद्युत और चुंबक के क्षेत्र में उनकी व्याख्या भी नहीं कर सका। तो इसलिए ये इसमें तीन मुख्य कमियां रही। तो हम इस वीडियो में आज इतना अध्ययन करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।